ये तो देख मैडम सामने देख अब साथ हो थोड़ा साथ बाबा हां मैडम वैसे पकड़ लीजिए यस ट्रॉमा मदर टू अ चाइल्ड हर उस औरत की बुक है आजकल क्या लड़कियों में बहुत ही लड़कियां एडवांस हो रही हैं पढ़ रही हैं बराबर का सब कुछ कर रही हैं लेकिन ये कुछ औरतें ऐसी भी हैं आज जो हमेशा अपनी ज़िंदगी दूसरों के लिए सेक्रीफाइस करती हैं माँ बाप ने बोला कि बेटा बस अभी पढ़ाई ठीक है अभी फिर रिश्तेदार बातें करेंगे वो बोलती है ठीक है फिर जहाँ शादी की वहाँ फिर देन हस्बैंड जैसा कहता है वैसा अपना लाइफ को जीती है फिर बच्चों के लिए जीती है बट वो अपने लिए कभी कुछ कर ही नहीं पाती है तो उनका ऐसा जो वो चीज़ें वो औरत ने लिखी हुई चीज़ें थी द थिंग्स शी वॉन्टेड टू शेयर बट शी कुडंट एंड दैट इज़ ऑल अबाउट माई बुक फ्रॉम अ मदर टू अ चाइल्ड एंड वैन शी नीडेड एवरी वन अराउंड हर ओनली एंड शी डिडंट फाइंड एनी वन लाइक जो उनके पास होना चाहिए था वो नहीं था कब से लिखनी शुरू करी आपने मेरी बुक मैंने सर लॉकडाउन के दौरान शुरू की थी कितने टाइम लग गया इसको बुक मुझे ऑलमोस्ट टू एंड हाफ ईयर एंड माई एल्डर ब्रदर पास्ड अवे सो आई वॉज तो अभी लाइक दिसंबर में रिलीज करना था तो वो नहीं कर पाई चैप्टर कितने इट्स ऑल आई गेस 9 टू 11 होंगे सारी स्मॉल स्टोरीज हैं या एक ही स्टोरी बेस्ड है एक ही स्टोरी बेस्ड है बट लाइफ की जर्नीज के थ्रू आउट तो ये कोई रियलिटी हाँ ऑलमोस्ट रियलिटी किसकी रियलिटी यू कैन से कि मेरी मदर और मेरी मदर जैसी बहुत सारी औरतें उनके बारे में तो डोमेस्टिक वायलेंस है नो 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 डोमेस्टिक वायलेंस तो उसमें किस पर्सपेक्टिव है एक मदर और सिर्फ चाइल्ड का रिलेशन दिखा एक 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 बहुत ही पाक रिलेशन है एक हर एक औरत जो घर में रहती है जिनको कुछ करने का नहीं मिलता वो अंदर क्या सोच रही होती है उसका पूरा थॉट प्रोसेस है वो सब है तो क्यों पढ़ना चाहिए इसे मुझे लगता है कि हर एक औरत को मतलब स्पेशली मर्दों को पढ़ना चाहिए मुझे लगता है क्योंकि आज आपको लगता है कि हम लड़कियाँ लड़के तो बहुत एडवांस है वो तो घूमती हैं फिरती हैं खाती हैं पीती हैं बट हमारा थॉट प्रोसेस क्या चल रहा है हम किन किन चीज़ों से गुजरते हैं हमें कैसे कैसे मंथली हमें किस किस चीज़ों से कैसे कैसे ट्रॉमेटिक चीज़ों से गुजरना पड़ता है वो सब चीज़ें हमारा थॉट प्रोसेस क्या है हम क्या चाहते हैं हाँ मेरी लाइफ का काफ़ी इसमें है वो आप इसमें देख सकते हैं अभी लोगों को लगता है कि शी इज़ अ सुपर मॉडल राइटर है अब मुंबई में घर है यहाँ घर है गाड़ियाँ हैं बाउंसर लेके घूमती ये सब है तो उनको लगता है कि आई एम लिविंग वेरी हैप्पीली बट मुझे हम जितना इस लेवल पे आ जाते हैं उतना हम किसी से ओपन अप नहीं हो पाते अपनी बातें शेयर नहीं कर पाते जो दिल की चीज़ें दिल में रह जाती हैं उसके ऊपर भी बहुत सारी चीज़ें हैं इसके ऊपर जो आपको मिलेंगी कमल चीमा कमल कहाँ से है मैं बेसिकली मुंबई हरियाणा से बट लिविंग इन मुंबई सिंस लास्ट 10 ईयर्स अंधेरी मुंबई हरियाणा यमुनानगर से बेसिकली थैंक यू मैं भी अमेज़न से या किसी हाँ अमेज़न से फ्लिपकार्ट किंडल एंड ऑन माय वेबसाइट आपकी वेबसाइट का नाम क्या kamalcheema.com उसमें मिल जाएगी हाँ बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ने के नहीं इट्स नॉट फ्री ऑफ कॉस्ट बट अ स्मॉल प्राइस फॉर द प्रिंटिंग इज देयर वॉट एवर आई अर्न फ्रॉम दिस थ्रू आउट ऑल द रॉयल्टी विल गो टू चैरिटी ओनली थैंक यू कितनी फीस लगती है इसको लिखने के लिए मैं बहुत उनसे मिली हूँ इवन लॉकडाउन के दौरान भी मैंने मतलब बहुत ज़्यादा एनजीओ से मैं एसोसिएट की थी वहाँ पे भी अभी कुछ एनजीओ वाले अभी आएंगे भी इनके साथ मैं काफ़ी टाइम से जुड़ी हूँ तो वहाँ पे भी कई ऐसी मदर्स हैं जिनको बच्चों ने उनको निकाल दिया है वो वहाँ पे इस टाइम रह रही है जिनके आगे पीछे कोई नहीं है तो जिस मुझे लगता है कि वो सारा पेन आपको इसमें दिखेगा जब आप बुक पढ़ेंगे ये आपकी पहली किताब है हाँ मेरी पहली किताब है इसके अलावा आप क्या करती हूँ इसके अलावा मैं मॉडलिंग में हूँ और आई हैव अ प्रोडक्शन हाउस